2024 का लोकसभा इलेक्शन अंबानी और अदानी करवाएगा, मोदी जी नहीं। हम लोग तो भूखमरी मर रहे हैं। क्यों, राशन तो दे रहे हैं मोदी जी। अरे राशन देने से क्या हो, रोजगारी नहीं है तो इंडिया को मोदी जी बेच देंगे। आज लोकतंत्र का हालत क्या किया है, आज लोकतंत्र का हाल किया क्या है। मोदी हटाने से सारा देश सही हो जाएगा। क्यों, मोदी जी के काम से मोदी आकर के पूरा बर्बाद कर दिया, देश को पीछे कर दिया, 1980 में ला दिया देश को। आखिर उसको कौन पसंद करता है? कोई पसंद नहीं करता, एकदम चोर चोर है वो। मोदी इस तरह चोर है, वो सापा चोरी कर रहा है। जब तक मोदी जी रहेगा देश पूरा बर्बाद हो जाएगा। अच्छे दिन आते तो इतना किसान लोग के ऊपर आंसू बम चलता। वो राहुल गांधी बहुत सच्चा आदमी है, सीधा आदमी है, सापा आदमी है। वो जो बात बोलता है क्लियर बोलता है। पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन हर कोई खेलता है, लेकिन वो सीधा आदमी है। मतलब आपको झूठ बोलकर आपसे चोरी कर चीज़ नहीं छीनेगा, वो छीन कर लेने वाला है मोदी जी। वो चाह रहे कि अब इंडिया में इलेक्शन ना हो, वो साउथ कोरिया बनाना चाह रहे इंडिया को। इसके बाद साउथ कोरिया बन जाएगा। इधर आप देख रहे हैं PRB, अभी हम बंगाल में मौजूद है और लोकसभा इलेक्शन जो आने को जो कुछ ही दिन रह गए अब लोकसभा इलेक्शन में। एक तरफ नरेंद्र मोदी है जो बोल रहे 400 सीट पार है, दूसरी ओर जो है राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके निकले। इसमें आम आदमी का क्या प्रभाव है, क्या सोच है, क्या इस बार आम आदमी जो है बदलाव के मूड में या फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी को ला रहे हैं? कैसे देख रहे हैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन को? 2024 का लोकसभा इलेक्शन अंबानी और अदानी करवाएगा, मोदी जी नहीं। अंबानी और अदानी का वोट होगा, आम पब्लिक वोट नहीं दे रहा है। वो लोग जो EVM में कर रहेगा वही होगा। तो मोदी जी जो बोल रहे हैं 400 पार है, तो फिर वोट कौन देगा? वो तो मशीन देगा, आम पब्लिक थोड़ी देगा। EVM मशीन देगा, मशीन को हटाइए, ढप्पा लगाइए। सही बात। तो क्या लग रहा है कि बदलाव हो जाएगा? बदलाव तो होने वाला है, लेकिन मशीन में कुछ क्या होगा वही तो बात है। अंबानी अदानी मशीन तैयार करेगा, वही बात होगा। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकल रहे हैं, क्या लग रहा है कि मतलब नरेंद्र मोदी के रथ को रोक पाए? राहुल गांधी एक ऑनेस्ट नेता है, ठीक है, ऑनेस्ट है, और ऑनेस्ट का अभी देश नहीं है। अभी मोदी वो न्याय यात्रा लेके निकले क्या? हाँ, न्याय यात्रा तो करेगा, मरते दम तक वो करेगा। लेकिन दीदी जो है हम लोगों का, दीदी काफ़ी है, 100 मोदी एक दीदी, ठीक है। कैसा लग रहा है कि 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन आने वाला है उसमें कुछ बदलाव होने वाला है? हाँ, मोदी हारेगा। मोदी हारेगा। क्यों, मोदी के काम अच्छे नहीं लग रहे हैं? मोदी का क्या काम अच्छा लगेगा? मोदी जी तो बोल रहे हैं कि फिर 400 पार है इस बार। अरे भाई, जितना वादा कर रहा सब तो वादा फेल हो जा रहा। 10 साल का सफर कैसा लगा मोदी जी का? कुछ भी बदलाव नहीं आया। तो इस बार जनता बदलाव करेगी या फिर से ला रहे हैं मोदी जी? जनता बदलाव करेगी, जनता बदलाव के मूड में है इस बार। हाँ, राहुल प्रियंका है। तो राहुल गांधी जो अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके निकले, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है आम आदमी पे? बहुत अच्छा, मतलब राहुल मेहनत कर रहा है, ठीक है, राहुल आएगा, ठीक है। अरिया का ममता है, जैसी ममता रहेगी, ममता दीदी। हाँ, युवाओं से पूछना चाहते हैं कि मतलब कैसे देख रहे हो 2024 के लोकसभा इलेक्शन को, भैया कैसे देख रहे हो 2024 में मोदी आ रहे हैं फिर से? भाई दीदी सही है। और सेंट्रल में किसको ला रहे हैं? राहुल गांधी जो एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके निकले, मोदी बोल रहे हैं 400 पार, इस बार फिर से मोदी जी आ रहे हैं, लग रहा है? अब देखिए किसका, जनता क्या चाह रही है? मोदी जी के 10 साल का सफर कैसा लगा? हम लोग तो भूखमरी मर रहे हैं। क्यों, राशन तो दे रहे हैं मोदी जी? अरे राशन देने से क्या हो, रोजगारी नहीं है तो, रोजगारी नहीं है ना, रोजगार नहीं है। क्या बोल रहे हैं? देश का गद्दार है, देश का गद्दार है, गद्दार है मोदी जी। अरे वो तो प्रधानमंत्री है, देश का पक्का बचाओ, देश बचाओ। आप युवा हो, कैसे देख रहे हो 2024 के लोकसभा इलेक्शन को? मोदी हटाने से सारा देश सही हो जाएगा। क्यों, मोदी जी के काम से? मोदी आकर के पूरा बर्बाद कर दिया, देश को पीछे कर दिया, 1980 में ला दिया देश को। नरेंद्र मोदी के काम से खुश नहीं है? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या अच्छा नहीं लगा? राशन दे रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास। राशन, राशन से जुमलाबाज है, जुमलाबाज है। क्या बात, जुमलाबाज गुंडा लग देने का वादा किया गुंडा है किसी को? तो बोल रहे की गुंडाई कम कर दी है, दंगाई कम कर दी है। अरे बढ़ा दिया है, उत्तर कर दिया है, हर जगह में दंगाई हो रहा है, दंगा हो रहा है। 2014 के बाद दंगाई बढ़ गया है देश में, पूरा देश घूम के देख लीजिए, दंगा बढ़ गया है। 24 में लग रहा है कि मोदी जी फिर आने वाले हैं। ओबीसी का जलवा होगा, ज्यादा सीट कितना सीट ला रहे हैं मोदी जी? मोदी जी 100 तो सीट ज्यादा नहीं आएगा, 100 के अंदर ही रह जाएंगे क्या? 100 का अंदर भी रह जाएगा। आप आशा दुख दिन ओबीसी का जलवा होगा। जब तक मोदी जी रहेगा, सुने सुनिए भैया, जब तक मोदी जी रहेगा देश पूरा बर्बाद हो जाएगा। तीसरी बार मौका नहीं देंगे मोदी जी को? तीसरी बार कोई नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। मोदी रहेगा तो देश पूरा बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद करके रख दिया, बर्बाद कर दिया।
क्या नहीं किया है? शराब दंगा सब पूरी जगह फैल दिया, लेकिन हिंदू मुस्लिम कर गया, हिंदू मुस्लिम करके वहाँ बर्बाद कर दिया देश को। ये कर रहे वो कर रहा सब हिंदू युवा है, आपको क्या दिक्कत है मोदी जी से? सब बकवास कर रहा है, एकदम एकदम पूरा बकवास एकदम। सब ये कर दे रहा वो कर दे रहा, बोले कि यहाँ पर पक्का बिल्डिंग कर दे रहा, वहाँ बिल्डिंग कर दे रहा, यहाँ खाक कर रहा, कुछ नहीं कर रहा एकदम, पूरा फालतू फोकस फोकस बात। क्या बोल रहा है? अभी बोल रहा मकान देगा, कहाँ दे रहा मकान? कहाँ आ रहे अभी देखिएगा, तीसरी बार ला देखिएगा अभी। कुछ भी बोला है कि सबको पक्का बारी कर देंगे, सबको डबलट कर देंगे, कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन बात ये है कि खाली पतंग आएगा, वही बात बोली भाई, भाई ने जो बात बोली से पूरा 202 एकदम बस के साथ जोट होगा पतंग एकदम AIM पार्टी आएगा। सब चीज में बकवास है, सब चीज में बकवास है। कैसे देख रहे हैं आप लोग युवा हो, कैसे देख रहे हैं 24 का लोकसभा इलेक्शन वोट लेने वाले किसको ला रहे हैं आप लोग? नहीं एकदम राहुल गांधी, राहुल गांधी को ला रहे हैं, दीदी को ला रहे हैं, राहुल गांधी को, मतलब गठबंधन जो हुआ है दीदी का राहुल गांधी का, मतलब आप लोग ला रहे हैं, दीदी करेगी वही सब कुछ, मोदी को मौका नहीं देंगे इस बार, मोदी को चाय बिक्री करने बोलिए, राहुल गांधी को ला रहे हैं, मोदी तो खुद मोदी का अपना बीवी बच्चा नहीं है, दूसरा का बीवी बच्चा का क्या सोचेगा? लेकिन तो देश को ही अपना फैमिली मानते हैं, अपन कैसे मानता, किस तरह से मान रहा आपको पहले बताइए, क्यों हिंदू मुसलमान किया, क्यों उल्टा सीधा किया? माँ को नहीं मान रहा है वो क्या मानेगा? अपना माँ को नहीं माना, दूसरा क्या माना? हिंदू धर्म में माँ मर जाने से निराश होता है। मोदी निराश हुआ? मोदी निराश हुआ नहीं हुआ? मोदी से इतना नाराज क्यों है? वो पक्का सही काम करवे नहीं कर रहा, सही काम करवे नहीं कर रहा। अरे मोदी का खुद घर नहीं है, वो दूसरा घर का कितना रोजगार खत्म हो गया, क्या देश का हाल हो रहा? कौन तोड़ा उसका हदीस है, और उसने तो तोड़ के दिखा दिया कि हम मस्जिद को तोड़ के बनाए, देश नहीं चलेगा और किसी का पेट नहीं भरेगा, ये बात सच है देख लो। तो इस बार मोदी जी से नाराज है, नहीं ला रहे मोदी जी को? मोदी जी से नाराज नहीं है, जो अच्छा करेगा उससे ठीक रहेगा। तो इस बार बदलाव कर रहे हैं क्या? हाँ बदलाव कर रहे हैं। युवा हो भाई तुम लोग, करियर आने वाला कैसे देख रहे हो 2024 का लोकसभा इलेक्शन, वोट तो डालने वाले हो ना, कैसे देख रहे हो मोदी जी को? हम लोग मोदी को बोलेंगे चाय बिक्री करने, वही चीखता हूँ चाय बिक्री कर रहा है। देश को चला रहे मोदी जी, मोदी चाय का दुकान बढ़िया चलाएगा, चाय का दुकान देश को चला रहे मोदी, चाय का दुकान बढ़िया चलेगा, 10 साल तो चलाए मोदी जी, क्या बोल रहे हैं? भी चलता है देखिए, कुछ उन्नति नहीं हुआ ना 10 साल में, कुछ उन्नति नहीं हुआ, उन्नति नहीं हुआ है तो मोदी जी के नाम का डंका जो बज रहा है बाहर में, वो बाहर में बज रहा है, वो लोग बजा रहा होगा, तो यहाँ पर ही तो आपका दीदी का चलेगा, सिर्फ दीदी या राहुल का चलेगा, राहुल गांधी का, राहुल गांधी का लग रहा है कि राहुल गांधी जो नरेंद्र मोदी के रथ को रोकेंगे, जरूर रोकेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से क्या असर पड़ा है? भारत में यात्रा से क्या जरूरत पड़ा, जैसा मतलब अभी जो चल रहा है, जैसा मतलब जो पब्लिक चाह रहा है वही चीज़ होना चाहिए। कैसे देख रहे हैं भैया 2024 के लोकसभा इलेक्शन को, किसको ला रहे हैं इस बार 24 में? दीदी 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 को, दीदी बंगाल में हम लोग का दीदी रहना जरूरी है, और सेंट्रल में, सेंटर में लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, एक तरफ राहुल गांधी जो न्याय यात्रा लेके निकले हैं, एक तरफ मोदी जी जो है बोले कि 400 पार है, कैसे देख रहे हैं? 400 पार कैसे, इतना घोटाला किया जा रहा, अभी चंडीगढ़ में क्या हुआ, चंडीगढ़ का भी देखिए न्यूज खोलकर, इतना बड़ा घोटाला हुआ, एकदम साफ समझ में आ रहा, पूरा कैमरा में नजर आ रहा है कि एकदम सापा, वो लोग चोरी कर रहा है, वो लोग तो चोरी से जीतता है, जनता वोट नहीं देती है, कैसे देती है? अगर देती तो चोरी से कैसे जीतते, चोरी से कैसे जीतता? तो इस बार ईवीएम हटाने को मांग रहे हैं, एकदम एकदम ईवीएम हटना चाहिए, ईवीएम हटना चाहिए, तो वैलेट पेपर पे लड़िएगा, जी जी जरूर वैलेट पेपर सही है, अभी वैलेट पेपर से तो पकड़ा गया, वॉलेट पेपर से ही पकड़ा गया, देखे तो अभी आपका सामने नजर आया, वहाँ चारों तरफ कैमरा लगा हुआ था, जब वो वॉलेट पेपर में जब चोरी कर सकते इतना छोटा इलेक्शन को, तो बड़ा इलेक्शन में क्या कर सकता है, सोचिए। इस बार है जनता बदलाव के मूड में, बिल्कुल बिल्कुल एकदम है, आखिर उसको कौन पसंद करता है? कोई पसंद नहीं करता, एकदम चोर चोर है वो मोदी, इस तरह चोर है वो, सापा चोरी कर रहा है मोदी जी, तो सबको लेके चल रहे हैं, कैसे लेके चल रहे हैं, चाबुली कैसे लेके चल, अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आपको अच्छे नहीं लग रहे क्या? अच्छे दिन कैसे आए, अच्छे दिन आते तो इतना किसान लोग के ऊपर आंसू बम चलता, किसान लोग के ऊपर आंसू बम चलता, किसान लोग इतना परेशान है,
आखिर आज किसान दे रहा है तो वो चावल दल चावल दाल खा रहा है, बड़े बड़े लोग खा रहे रह रहे जी रहे, आज उसके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, आज उसके ऊपर इतने अत्याचार हो रहा है, वो कैसे मतलब अच्छे दिन लाए आप बताइए ना। अच्छे दिन लाने का तो देखते ना, हाँ ये काम किया मोदी, गरीब आदमी लोग का सहारा बन रहा है, चाहे कुछ और कुछ ला रहा है, भले राम मंदिर ला दिया, यहाँ तो बड़ा बड़ा पैसा लेकर भागा हुआ है वो लोग को नहीं लाया, राम मंदिर ला दिया, बताइए ये कोई काला धन भी तो हटा है, काला धन तो काला धन पैसा कहाँ है, वो तो उसी का पास है, काला धन तो ला कर अपने पास रख लिया, दिया किसी को, दिया आपको नजर आया किसको दिया वो, तो लग रहा है कि इस बार आप लोग बदलाव करने के, अरे एकदम बदलाव तो बिल्कुल है, बदलाव है इस बार, बिल्कुल बदलाव है, बदलाव इसलिए उसको पहला बात तो कोई चाहता नहीं है, वो सिर्फ चोरी से जीता है, आज तक जितना जीता है सब चोरी से जीता है बस, और यहाँ तो रह गया बात ममता दीदी अपना है, यहाँ तो ममता दीदी है, इस बार राहुल गांधी को लाना है, बिल्कुल बिल्कुल राहुल गांधी को इस बार लाना है, उसका जो यात्रा निकला है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इससे आम आदमी को क्या प्रभाव पड़ा है, उससे प्रभाव ये नहीं पड़ा है, वो राहुल गांधी बहुत सच्चा आदमी है, सीधा आदमी है, साफ आदमी है, वो जो बात बोलता है क्लियर बोलता है, पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन हर कोई खेलता है, लेकिन वो सीधा आदमी है, मतलब आपको झूठ बोलकर आपसे चोरी कर कर चीज नहीं छीनेगा, वो छीन कर लेने वाला है मोदी जी, मोदी जी जो लेते हैं छीन के लेते हैं, उनको कभी पब्लिक सपोर्ट नहीं करता है, आज पब्लिक सपोर्ट करता तो वो चोरी नहीं करता, वो चोरी किस किस लिए कर रहा है, वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है, पूरा इंडिया को बेच सकता है वो, कौन बेच देंगे इंडिया को, इंडिया को मोदी जी बेच देंगे, आज लोकतंत्र का हालत क्या किया है, आज लोकतंत्र का हाल किया क्या है, क्या बेच दिए मोदी जी, देश खत्म है, क्या नहीं बेच दिए, इतना बड़ा बड़ा इतना बड़ा बड़ा कंपनी को बेच दिए, एयरपोर्ट को बेच दिए, सब तो प्राइवेट कर दिए, है क्या सरकारी, आखिर सरकारी है क्या, क्या नहीं बेचे, क्या नहीं बेचे, क्या नहीं बेचे, हर चीज तो बेच दिए, अब रहा क्या है, अब बोले कि क्या नाम है, अब ये बेचेंगे लग रहा है अपना लाल किला, ताजमहल, अब लग रहा है उसका दाम लगेगा, उसका भी तो नाम चेंज करने में लगे हुए, हाँ उसका भी नाम चेंज करने के लिए लगे हुए, कब हो जाए कोई ठीक नहीं है, ठीक है, अब पता नहीं वो क्या करने मांग रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, वो चाह रहे कि अब इंडिया में इलेक्शन ना हो, वो साउथ कोरिया बनाना चाह रहे इंडिया को, इसके बाद साउथ कोरिया बन जाएगा, हिंदू मुस्लिम मंदिर, इसके बाद सबको लेके चले, राम मंदिर तोड़ के राम मंदिर बना रहे, बाबरी मस्जिद तोड़ के राम मंदिर बना रहे, हिंदू मुस्लिम करने का मतलब है, काम करे सीट पे बैठे काम करे, वो काम करने के लिए नहीं आए, वो काम करने के लिए नहीं आए, वो आए हुए सिर्फ सत्ता में आए बस, ये सब वो इसका नाम चेंज करेंगे, उसका नाम चेंज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बस यही करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो बस सामान वामान सब प्राइवेट करेंगे, वो बीएम मोदी, कौन कौन मोदी है, बीकेएम मोदी, अभी जो हाल फिलहाल जो अभी घोटाला हुआ, जो राहुल गांधी आवाज़ उठा रहे थे, क्या नाम है उनका, ऊपर देखिए अदानी जी का, ऊपर देखिए क्या हो रहा है, ये इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में यही हो रहा है, सब चीज़ बिका रहा है, बिकाऊ हो गया है, सरकारी नौकरी भी बिकाऊ होगी, आखिर आप सरकारी नौकरी किसी से मांगने जाइएगा तो वो डायरेक्ट बोलेगा कि इतना रुपया दो तब जाकर मिलेगा, वो ये नहीं बोलेगा कितना, क्या तुम अपना लाइफ में स्ट्रगल किए कि नहीं, ये फाइल वगैरह नहीं, बस इतना रुपया दे दो तुम्हारा हो गया, भ्रष्टाचार तो खत्म हो गया मोदी, कहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो गया, अभी किसान का आंदोलन चल रहा है, अभी किसान का आंदोलन चल रहा है हर जगह, तो अभी चंडीगढ़ में देखिए वहाँ पे अलग हो गया, चोरी करके जीता किसान, अलग परेशानी है, फिर से आपको ये पहलवान का जो मुद्दा उड़ा हुआ था वो भी उसमें भी परेशान है, किसमें परेशान नहीं है इंसान, हर जगह तो इंसान परेशान है, उससे जब से आया तब से कोई ना कोई कानून ला रहा है, कोई ना कोई कानून ला रहा है, कभी बोल रहा ये हो गया, कोई मस्जिद को बोल रहा वहाँ मंदिर था, जहाँ आबादी मुसलमान का कम है वहाँ पे बोल रहा है कि नहीं यहाँ पे मंदिर था, ऐसे नहीं होता है, आज यहाँ पे अमाम यहाँ इतना मुसलमान है, यहाँ बोल रहे जैन बाबरी में मस्जिद वो भी ले लिया, तो 24 में क्या लग रहा है बदलाव कीजिएगा, उसको हटाया देगा अपना, हटा दीजिएगा, हाँ कलकत्ता से हटा देगा अपना, यहाँ मुसलमान का सिर्फ मुद्दा नहीं है, यहाँ हर देश किसान, मुसलमान, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई सब परेशान है, ऐसा बात नहीं सिर्फ मुसलमान परेशान है, सब परेशान है, मोदी सिर्फ अपना पेट भरना चाहता है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, वो सिर्फ अपना पेट भरना चाहता है, सिर्फ अपना पेट भरना चाहता है, वो बस दुबई जाए, यहाँ वहाँ देश वगैरह घूरेगा, इस सत्ता में आने का उसका रीजन नहीं है कि सिर्फ वो देश घूरने के लिए रीजन है उसका। 24 में किसको ला रहे हो? दीदी को। दीदी को ला रहे हो?
दीदी चलेगा यहाँ। दीदी सेंट्रल में मोदी को ला रहे हो या राहुल गांधी को? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को, मोदी को क्यों नहीं? मोदी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा क्यों? देश के लिए अच्छा काम नहीं कर रहा हो। अच्छा काम नहीं कर रहा है तो बाहर में जो डंका बज रहा है मोदी के नाम, जो बजा रहा है उसको बजाने दो ना भाई। बजाने वाले को कौन रोक रहा है भाई? बजाने वाले कोई रुका है? हम लोग नहीं बजा सकते उसका डंका, मतलब हटा रहे मोदी जी को। हाँ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 24 में किसको ला रहे हैं? चौबीस में किसको ला रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं फिर से मोदी जी को ला रहे हैं? अगर 24 में अगर एक देखा जाए तो युवा नेता में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को ला रहे हैं। बदलाव कर रहे हैं इस बार मोदी जी को क्यों नहीं? बदलाव तो सबको करना चाहिए, एक मेरे करने से तो खाली होगा नहीं। 10 साल का सफर अच्छा नहीं लगा मोदी जी का? एक्चुअली उतना अगर कोई खास अच्छा लगता तो शायद मेरे शब्द पे ऐसा नहीं होता। चांद पर नहीं गए, भाजपा के सब जगह गए। मोदी जी चांद पे नहीं गए हैं? चांद पर नहीं गए हैं। तो क्या कीजिएगा, बदलाव कीजिएगा मोदी जी को? उनको भी भ्रमण करने पड़े, धरती भ्रमण करने दीजिए ना पूरा। नमस्कार, मैं शाहिद, आप देख रहे हैं PRB। अभी हम बंगाल में मौजूद है, यहाँ से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएं कि कैसा है यहाँ का माहौल, क्या कुछ आम लोग सोच रहे हैं भारत जोड़ना यात्रा को लेकर। एक तरफ राहुल गांधी है, दूसरी ओर नरेंद्र मोदी है। आप PRB से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट के माध्यम से आप अपनी बातें को रख सकते हैं।